हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की जो कविता है वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि पंडित श्री श्याम नारायण पांडे जी की कविता है। कविता का शीर्षक है चेतक की वीरता। चलिए हम लोग इसका पाठ करते हैं। क्या करते हैं? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? चलिए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, काला प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, ही जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नदसावा लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, अर की सेना पर घहर गया, भाला गिर गया, गिरा निशंग है टापों से, खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, चढ़ चेतक तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। वेरी गुड, ताली बजाएंगे।